नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के बीबीसी दफ्तर के बाहर हिंदू सेना विरोधी प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर बता दें कि हिंदू सेना दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीबीसी को भारत से बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को भगा दिया है। बता दें आपको कि हिंदू सेना का आरोप है कि बीबीसी भारत में हिंदू धर्म को अपमानित करती है, इसलिए बीबीसी को भारत में बंद कर देना चाहिए। वहीं इसको लेकर किसान संगठन बीबीसी से सपोर्ट में आया हुआ है और साथ ही किसान संगठन के प्रवक्ता प्रबल प्रताप ने कहा है कि किसान आंदोलन के समय निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए बीबीसी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक अहम योगदान दिया है, जिसकी वजह से किसान संगठन पूरे तरीके से बीबीसी के साथ है। सरकार जिस तरीके से देश के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रही है, उससे लेकर हम आगे भी आवाज उठाएंगे। तरीके से बीबीसी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उस आंदोलन का साथ दिया था, तो आज ज़रूरत है कि जब बीबीसी जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता पे सरकार दबाव बनाना चाहती है और वह अघोषित आपातकाल ला रही है देश के अंदर, कोशिश कर रही है, तो उस समय किसान संगठन के तौर पे, के साथी के तौर पे मैं यहाँ खड़ा हूँ इनके समर्थन के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि यह जो चीज़ें हो रही हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और मुझे लगता है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद शिव प्रताप शुक्ला अपने पुराने दिनचर्या को नहीं भूल पाए। सुबह जब वे गोरखपुर विश्वविद्यालय में टहलने के लिए पहुंचे तो आम लोगों से लेकर विपक्ष के नेताओं का भी उनसे मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिना किसी सुरक्षा के वो सुबह टहलने निकले तो लोग भी सोचने को मजबूर हो गए कि राज्यपाल बनने के बाद आज भी उनके अंदर वही सादगी है। वो अपने पुराने दिनचर्या के तहत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और आधे घंटे ध्यान करने के बाद टहलने के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। अगर प्रधानमंत्री इस बात की बात कर सकता है कि 140 करोड़ जनता देश की मेरा सुरक्षा कवच है, तो मैं तो एक छोटे प्रदेश का राज्यपाल उन्हीं लोगों के द्वारा तय किया गया हूँ और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। वैसे भी मैं अपने सामान्य जीवन जीने का आदि रहा हूँ। मैं मंत्री रहा तो भी सामान्य जीवन जीता रहा और ऐसे ही टहलता रहा इन लोगों के बीच में। राज्यपाल हो जाने के बाद भी हम अपने सामान्य जीवन को इस नाते नहीं छोड़ेंगे कि इसी सामान्य परिवारों के बीच से उठ करके गया हूँ और पुनः इसी सामान्य परिवार के बीच मुझे आना है, तो आने और जाने के क्रम में मैं कोई व्यवधान नहीं लेना चाहता। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सड़क किनारे मिले महिला के शव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र के कर्नवालिस पार्क के पास सड़क किनारे महिला का शव पड़ा मिला था। शव के पास से महिला की स्कूटी भी पड़ी मिली थी। घटना को एक्सीडेंट मानकर चल रही पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नए तथ्य सामने आए हैं। महिला की गला दबाकर हत्या की गई है और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतका के पति ने 2 शादी की थी, जिसके चलते लगातार उसके घर में कलह चल रहा था। महिला के पति 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी और शव को सड़क किनारे दुर्घटना का रूप देखने की कोशिश की गई थी। फिलहाल घटना में शामिल मृतका के पति अभी फरार बताए जा रहे हैं।
यूपी के पीलीभीत जनपद में छोटे व्यापारियों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बाजार में बड़े दुकानदार अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं और फुटपाथ पर घेर लिया गया है। बावजूद इसके बता दें कि उन्होंने गोहनिया चौराहे से गांधी स्टेडियम मार्ग तक छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने लोन लेकर कारोबार शुरू किया है और जो पटरी पर दुकान लगा रहे हैं उनका नुकसान कर दिया गया है। अब ऐसे लोग कहां से लोन चुकाएंगे? और एक ओर जहां सरकार लोन देकर पटरी दुकानदारों को सक्षम बनाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका और जिला प्रशासन उनको उजाड़ने की कोशिश कर रही है। देश शहर में नगर पालिका द्वारा नगर पालिका की सरपरस्ती में उनकी दुकान उनके ऑफिस के बाहर ही इतना अतिक्रमण है जहां से वो अवैध वसूली करते हैं। मंगल बाज़ार लगता है, सबसे ज़्यादा जाम वहां पे लगता है, जो पीलीभीत का सबसे बड़ा जाम इस समय अगर मंगलवार के दिन लगा होगा तो मंगल बाज़ार के बाहर लगा होगा, जिसके बारे में कई बार प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। मंगल बाज़ार का ठेका लखनऊ से होता है, इस बार शासन के द्वारा हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक ठीक तरीके से उस बाज़ार को नहीं मैनेज करा जा रहा है। लेकिन इन छोटे व्यापारियों को अलीगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मुल्लापाड़ा भुजपुरा में जहां एक व्यक्ति से तथाकथित पत्रकार के द्वारा 5 साल पूर्व गलत बयानबाजी कर वीडियो बना ली गई थी, जिसका खंडन पुलिस द्वारा किया गया था। इस वीडियो में बता दें कि जिस वीडियो के सहारे 5 साल तक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया गया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी मिलती रही। व्यक्ति आए दिन तथाकथित पत्रकार से पैसे की मांग करते रहते थे। 5 साल बाद वही वीडियो वायरल कर पीड़ित व्यक्ति को बता दें कि फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। वही पीड़ित ने न्याय मिलने के कारण न्याय नहीं मिलने को लेकर आत्मदाह करने का निर्णय भी लिया है। मेरा यह मामला है, मुझसे आज से चाहत ने और भारतीय पत्रकार ने 5 साल पहले वीडियो बनवाई थी, जहां सट्टा बोला के यहां सट्टा होता है और सीओ साहब का नाम लो तुम। वो 5 साल पहले मैंने जो है इनके कहने में आके वो वीडियो बना दी मैंने। इन्होंने 5 साल के 3 साल के बाद में वो वीडियो जब सीओ चले गए, इंस्पेक्टर साहब चले गए, जब तो डाली ना इसने, वो 3 साल बाद वीडियो डाली। आज से 14 महीने पहले जब नए सीओ साहब आए तो वो वीडियो इन्होंने जो है मैंने वीडियो इन्होंने ही वो खंडित करी। हरदोई के बलग्राम इलाके में एक प्रेमी ने बता दें कि वैलेंटाइन डे के दिन अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर के बाहर खड़े होकर जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद से बेहोशी की हालत में उसने बता दें CHC बलग्राम में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है। युवक के पास से एक चाकू भी बरामद की गई है। युवक शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस युवक ने वैलेंटाइन डे के दिन अपने प्रेमिका के घर के बाहर खड़ा होकर जहर खाया है, जिसके बाद से लगातार युवक का इलाज किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी हाथरस पहुंचे थे, जहां इस दौरान विधायक अंजुला सिंह माहौर, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा साधु संतों को आतंकवादी कहने पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं मौलाना द्वारा ओम अल्लाह एक ही नाम होने के सवाल पर यह कहकर टाल दिया उन्होंने कि यह एक धार्मिक संतों पर सवाल है, इस पर हम क्या बोलेंगे। वही निकाय चुनाव में बीजेपी के काम को बता दें कि सर्वोपरि उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने हमारा काम देखा है, वो हमें क्यों नहीं चुनेंगी,
टिकट बंटवारे पर हो रही फजीहत पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक परिवार है और टिकट का निर्णय परिवार में बैठकर ही लिया जाता है। वहीं जातीय जनगणना के सवाल पर किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और बता दें चौधरी भूपेंद्र सिंह यहां पहुंचे थे और इस दौरान तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की गई। अब खबर संभल से है जहां पर रोडवेज बस ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। वहीं इस सड़क हादसे में मां की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल ये मां बेटे संभल शादी की शॉपिंग कर बाइक से वापस लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार ने दोनों को टक्कर मार दी। ये हमारा भतीजा अपनी वालिदा को लेकर संभल शॉपिंग करने आया था। हमारी मुमेरी बहन की शादी है, उसके लिए उसे आया था। तो ये संभल से वापस जा रहा था घर के लिए। ये रेलवे क्रॉसिंग जो सरसी वाला, यहाँ पीछे से रोडवेज ने आकर साइड मार दी। तो ये क्या धावज के मौके पे मौत हो गई। ये किसने बताया आपको ये बात? ये मुझे तो हमारी मोहल्ले के उन्होंने टेलीफोन करा। अरे मौत हो चुकी, किसने बताया? वही मुझे बताया जब मैं रेलवे फाटक पर पहुँचा। तो जालौन के ऐड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला टीकमगढ़ के ग्राम धवा बगरा निवासी राहुल, जो कि 28 वर्ष का है, वहीं सुनील जो कि 33 वर्ष का था, और साथ ही बता दें कि कल्लू यादव जो कि 28 वर्ष का है, तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार के यहाँ से शादी समारोह में से शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जब ये तीनों गांव वापस लौट रहे थे, तभी ऐड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने ग्राम सोमई के पास बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिर गए और जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल की हालत गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। हाथरस में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी नगर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि यह बहुत बड़ा नेक कार्य है। हम रक्तदान कर अपने शरीर को तो लाभ पहुंचाते ही है, साथ ही दूसरों का भी जीवन बचाते हैं। ADHR और पूरे टीम को ऐसे नेक कार्य के लिए बधाई के पात्र है। संभल जिले में भीषण अग्निकांड हुआ है। दरअसल यहां पर हाई टेंशन बिजली लाइन से चिंगारी निकलने के कारण आग लग गई है और सड़क किनारे रखे चार खोखे जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। वहीं लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं ये भीषण अग्निकांड बहजोई थाना इलाके के इस्लाम नगर चौराहे के पास NH का बताया जा रहा है। कारण के लिए तो अभी फायर ब्रिगेड अब विस्तृत रिपोर्ट देगी तब पता लग पाएगा। बाकी किसी प्रकार की कोई जनहानि बल स्वयं मौके पर आ गया। आग जो लगी थी आपकी दुकान में कैसे लगी है? हमारा कितने नुकसान होगा लगभग? आप क्या क्या चीज दुकान आपके दुकान में क्या क्या चीज थी आपके? So
संभल में बुधवार के दिन पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिस पर दौरान बता दें कि 50,000 के नामी बदमाश रिजवान को गोली लगी है। वहीं बदमाश की गोली से एक सिपाही भी जख्मी हो गए हैं। वहीं पुलिस ने बदमाश से अवैध शस्त्र और साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दरअसल पुलिस ने सेदपुर जैसकोली गाँव के जंगल के पास वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को आता हुआ देखा। इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना स्मोली के अंतर्गत आज ये एक मुठभेड़ पुलिस के साथ एक अपराधी की हुई है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम रिजवान उर्फ सल्लू खान है, ये थाना चौड़ा कम्बू का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। ये हमारे जिले से कई सारी चोरी की और ट्रैक्टर चोरी घटनाओं में वांछित चल रहा था तथा मुरादाबाद जिले से एक मर्डर के मामले में वांछित चल रहा था। मुरादाबाद जिले से भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। आज इसको जब यहां पर चेकिंग के दौरान इसको रोका गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको घायल अवस्था में सीएससी में इलाज हेतु भेजा गया है। पुलिस के भी एक हेड कांस्टेबल के घायल होने के कारण उसको भी इलाज के लिए भेजा गया है। साथ में यहां पर जो टीम थी इनके द्वारा जब इसकी चेकिंग की गई तो यहां पर इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो भी चोरी की प्रतीत हो रही है और एक अवैध शस्त्र ये बरामद किए गए हैं। साथ में बाकी चीजों की जांच की जा रही है। सर, किस तरह के मुकदमे? उत्तर प्रदेश में कल से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है और इसके तहत जनपद श्रावस्ती के कड़ी सुरक्षा के बीच जिले में बता दें कि 43 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी, जिसमें से नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए और सुरक्षा निगरानी से जुड़े सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में लगभग 21,515 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण से लेकर स्ट्रांग रूम केंद्र भी बनाया गया है। आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम को परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी की नजर में बता दें कि वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ ही कनेक्शन कर निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वहीं श्रावस्ती में गर्भवती महिला के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। बता दें कि इस दौरान गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए इकोना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते बता दें कि रात चोरों ने पंचायत भवन को अपना निशाना बनाया और साथ ही इन्वर्टर और बैटरी लेकर वहां से फरार हो गए हैं। चोरी की इस पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के तलाश में जुटी हुई है। विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल लाया जा रहा है। इसी कड़ी सुरक्षा में बता दें कि यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज की जेल लाया जा रहा है। जेल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तंजानिया में नौकरी के सिलसिले में गए गोरखपुर और आसपास के 200 कामगारों ने एक वीडियो में माध्यम से अपना दर्द बयां करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। कामगारों का कहना है कि हम यहां पिछले कई महीनों से फंसे हुए हैं। 15 दिनों से हमें एक कमरे में कैद रखा गया है। हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। यह वीडियो उन्होंने अपने पत्नियों के व्हाट्सएप पर भेजा है और ये संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए कहा है।
जालौन में दिन दहाड़े युवती के अपहरण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने वाली युवती के अपहरण की सूचना युवती के परिजनों ने पुलिस को दी। अपहरण की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान मामले की जांच पड़ताल में लगातार वे जुटे हुए हैं। और साथ ही बता दें आपको कि ये मामला सामने आया है और इस दौरान लगातार पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। श्रावस्ती में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं श्रावस्ती पुलिस बारीकी से घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बीएसए कार्यालय के शासन स्तर पर मिल रही शिकायत को संज्ञान लेते हुए डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसडीएम ने संयुक्त रूप से बीएसए कार्यालय पर छापा मारा है और इस दौरान तमाम दस्तावेज अधूरे मिले हैं, जिसको लेकर डीएम ने जब्त कर लिया है। और साथ ही डीएम ने छापेमारी में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बीएसए कार्यालय के कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं होते हैं। लगभग एक घंटे की छापेमारी की कार्रवाई की गई और उस दौरान डीएम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला है और कार्यालय के स्थिति को परखा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब्त की गई फाइलों का निरीक्षण कराया जाएगा और संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बनाए गए 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 31,792 छात्र इंटरमीडिएट के परीक्षा देंगे हाई स्कूल को, जिसको लेकर लगातार पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 12 सेक्टर और 3 जोनल मजिस्ट्रेट किए गए हैं और नियुक्त किए गए हैं, जिसको लेकर बता दें कि इस परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए तमाम तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि नकल ना की जाए और साथ ही अच्छे से अच्छे तरीके से परीक्षा छात्रों को दिलवाया जाए। पीलीभीत के बिसरपुर नगर के एक बारात घर में भजन कीर्तन के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने धार्मिक कार्यालय बता दी कि धार्मिक कार्यक्रम को रुकवाते हुए संचालक को हिरासत में लिया है। दरअसल मामला कोतवाली बिसलपुर नगर के रामपुरा रोड का स्थित एक बारात घर का बताया जा रहा है, जहां पिछले 2 दिनों से भजन कीर्तन के कार्यक्रम चल रहा था और मंगलवार को हिंदू महासभा के प्रशांत त्रिवेदी और साथ ही प्रसून तिवारी ने नेतृत्व में कार्यकर्ता कोतवाली पुलिस से शिकायत की है और उक्त कार्यक्रम के नाम पर धर्म परिवर्तन यहां पर किया जा रहा था। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर में आज सुबह भूमि विवाद में पुराने रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक लाइसेंस बता दे कि पिस्तौल से फायरिंग की गई है। इस घटना में ग्राम प्रधान सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल लाया गया है, जहां पर एक घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह भी अस्पताल पहुंचे हैं और घटना की जानकारी ली है। ललितपुर के बालाबहेट के बता दें कि बाद अब जिला प्रशासन की पैनी नजर सतर कोतवाली अंतर्गत स्थित ग्राम बीघा खेत पर है, जहां ग्राम सभा की जमीन पर बने दर्जन मकान को जिला प्रशासन के द्वारा गिराए जाने को लेकर नोटिस लगभग 1 वर्ष पहले ही जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि ग्राम बीघा खेत में लगभग 30 वर्षों से कुछ ग्रामवासी रह रहे हैं और निवास इन ग्रामीणों की झुग्गी झोपड़ी और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। लगभग 30 वर्ष पहले ही ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इन ग्रामवासियों को रहने के लिए ग्राम सभा की जमीन पर जमीन आवंटित की गई थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।